हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मूवी मीटर। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे फ्रॉम डस्क टिल डॉन मूवी के पार्ट 3 की। यह एक हॉरर थ्रिलर मूवी है। वेल, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने फ्रॉम डस्क टिल डॉन मूवी के पार्ट 1 और 2 की एक्सप्लेनेशन वीडियो अभी तक नहीं देखी तो वो आप पहले देख ले, जिससे मूवी के पार्ट 3 की स्टोरी को आप इजीली समझ सके। मैं उन दोनों पार्ट की वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप वहाँ से वो वीडियो देख सकते हैं। और अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकॉन पर प्रेस कीजिए, जिससे मेरी अगली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फ्रॉम डस्क टिल डॉन मूवी के थर्ड पार्ट की स्टोरी पर फोकस करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में एम्ब्रोस नाम के लेखक और सिविल वॉर हीरो की बात की गई है। अपनी जिंदगी के बाकी बचे दिनों में एम्ब्रोस मेक्सिको में कहीं खो गया। वो मेक्सिको में पांचो विला नाम के एक क्रांतिकारी दल में शामिल होना चाहता था, पर अब कोई नहीं जानता था कि एम्ब्रोस कहां पर है। यह कहानी ईयर 1913 की है। अब यहां एम्ब्रोस को दिखाया गया है, वो आराम कर रहा था। जब एम्ब्रोस की आंख खुलती है तो वो देखता है कि उसकी गन वहां पर नहीं थी। दरअसल रीस नाम के लड़के ने चालाकी से वो गन ले ली थी। एम्ब्रोस रीस से वो गन वापस ले लेता है और गुस्से में उससे कहता है कि यह बच्चे के खेलने की चीज नहीं है। अब एम्ब्रोस वहां से एक बारटेंडर के पास आता है। वो बारटेंडर से पांचों विला दल के बारे में पूछ रहा था तो बारटेंडर कहता है कि वो लोग ईस्ट साइड में कहीं पर रहते हैं, पर वहां पर कोई नहीं जाता। पर एम्ब्रोस कहता है कि मेरे पास एक खास चीज है जो मैं उन्हें देना चाहता हूँ। अब एम्ब्रोस की अब बात रीस नाम के लड़के ने सुन ली थी। बारटेंडर एम्ब्रोस से कहता है कि अगर आप टियरा नेग्रा नाम की जगह पर पहुंच गए तो वो दल भी आपको मिल जाएगा, पर वहां पर अकेले सफर करना नामुमकिन है। बारटेंडर कहता है कि अगर आप टियरा नेग्रा जाना चाहते हैं तो थोड़ी देर बाद एक बग्गी वहां पर जाने वाली है, तो आप बग्गी से वहां तक पहुंच जाएंगे। वेल, एम्ब्रोस भी नहीं जानता था कि यह सफर उसे कहां तक ले जाएगा। यह था फ्रॉम डस्क टिल डॉन मूवी के थर्ड पार्ट का इंट्रो सीन। अब नेक्स्ट सीन में जॉनी नाम के एक बंदे को दिखाया गया है। वो एक खतरनाक डाकू था। काफी जहमत के जॉनी को पकड़ने में कामयाबी मिली थी और आज उसे फांसी पर लटका दिया जाएगा। मॉरिस नाम का हैंगमैन यानी कि जल्लाद जॉनी के पास आता है। मॉरिस जॉनी से कहता है कि अब तो तुम्हारा मरना तय है और यहाँ कोई नहीं जो तुम्हें बचा सके। मॉरिस चाबुक से जॉनी पर वार करता है। यह मॉरिस की खूबसूरत बेटी सलीना भी थी और वो यह सब देख रही थी। अब मॉरिस जॉनी को फांसी पर लटकाने ही वाला था, पर तभी रीस जॉनी के गले पर बांधी हुई रस्सी पर गोली चलाता है। जॉनी फांसी से बच गया था और वहां से अपनी जान बचाकर भाग रहा था। के शूज में दागदार नाइफ थी जिससे वो उसे रोकने वाले लोगों पर वार करता है। मॉरिस भी जॉनी पर गोलियां चला रहा था, पर जॉनी उनसे बचते हुए वहां से भाग रहा था। रीस भी जॉनी को एक गन देता है जिससे वो उस पर गोलियां चला रहे लोगों से मुकाबला करता है। वो एक दूसरे पर गोलियां चला रहे थे, पर जॉनी एक अच्छा निशानेबाज था, वो आसानी से उन्हें खत्म कर देता है। पर फिर भी वहां मॉरिस और उसके साथी थे और जॉनी अकेला उनसे मुकाबला नहीं कर सकता था, तो एक घोड़े पर सवार होकर मॉरिस की बेटी सलीना को भी अपने साथ सेफ्टी के लिए ले जाता है। यह देखकर मॉरिस को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि जॉनी तो बच निकला था, पर यहाँ वो उसकी बेटी सलीना को भी अपने साथ ले गया था। मॉरिस अपने साथियों से कहता है कि अब किसी भी हाल में जॉनी को ढूंढकर हम खत्म कर देंगे। वही दूसरी ओर उस बग्गी को दिखाया गया है। बग्गी में एम्ब्रोस था, वही वहां पर जॉन और मैरी थे। उनके हाल ही में शादी हुई थी। जॉन और मैरी मेक्सिको में ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए यात्रा कर रहे थे। बग्गी में मैरी एम्ब्रोस से कहते है कि आप भी ईसाई धर्म अपना लीजिए, आपको जन्नत नसीब होगी। पर एम्ब्रोस मैरी से कहता है कि मेरा यकीन कीजिए, मैंने इतने पाप किए कि मेरी मौत के बाद मेरा नरक जाना तय है। और वैसे भी एम्ब्रोस गॉड में बिलीव नहीं करता था। दूसरी ओर जॉनी भी अपनी खुफिया जगह पर आ गया था। यहाँ वो सेफ था। वो सलीना से कहता है कि अब तुम यहाँ से वापस चली जाओ, पर सलीना जॉनी से कहती है कि मुझे यहाँ रहने दो, मैं वापस जाना नहीं चाहती। वैसे भी मेरे डैड मुझसे नफरत करते और मैं उनके पास एक कैदी की तरह जिंदगी जी रही हूँ। सलीना कहती है कि मुझे यहाँ रहने दो, मैं काम में तुम्हारी हेल्प करूंगी। पर जॉनी भी जानता था कि सलीना यहाँ पर सेफ नहीं है, तो वो सलीना से कहता है कि तुम मेरे साथ टियरा नेग्रा नाम की जगह पर चलो। वहाँ एक है जहाँ तुम्हें काम के बदले खाना और रहने के लिए अच्छी जगह मिल जाएगी। सलीना जॉनी से कहती है कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं, मेरी माँ भी मुझे जन्म देने के बाद मर गई और शायद इसी वजह से मेरे डैड मुझसे नफरत करते। वेल, मॉरिस अपनी बेटी सलीना के साथ सख्ती से पेश आता था और उसे कहीं पर भी नहीं जाने देता था। उसका एक खास रीजन था जो हमें मूवी के आगे की स्टोरी में पता चलेगा। दूसरी ओर मॉरिस अपने साथियों के साथ जॉनी और सलीना को ढूंढने निकल चुका था। उन्हें वहां जॉनी के गले में बांधा हुआ फांसी का फंदा मिलता है, जिससे वो समझ गए थे कि जॉनी ईस्ट साइड की ओर गया है।
थोड़ी देर बाद जॉनी का पीछा करते हुए रिस उस खुफिया जगह पर आ जाता है। रिस जॉनी से कहता है कि मुझे अपने दल में शामिल कर लो, मैं बहुत काम आ सकता हूँ और तुम्हें फांसी से मैंने ही बचाया था। पर रिस की बातों से जॉनी को शक होता है तो वो रिस की हट निकाल देता है। वेल, जिस रिस को हम लड़का समझ रहे थे वो एक लड़की थी। जॉनी रिस से कहता है कि तुम लड़की हो इससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, पर हमारे दल में शामिल होने के लिए तुम्हें अपने आप को साबित करना होगा। यहाँ रिस जॉनी से कहते हैं कि मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगी जिससे आपको फायदा होगा। एम्ब्रोस नाम का शख्स पांचों विला दल को ढूंढते हुए टियरा निगारा की ओर जा रहा है और वो उन्हें कोई खास कीमती चीज देने वाला है। मैंने खुद उसे यह कहते हुए सुना था। यह सुनकर जॉनी रिस से कहता है कि अगर तुम्हारी बात गलत निकली तो गोली सीधा तुम्हारे सिर में होगी। वेल, यहाँ जॉनी अपने साथियों को लेकर उस बग्गी की ओर निकलता है। वो सब बग्गी को घेर लेते। अब यहाँ गोलीबारी शुरू होती है। जॉनी और उसके साथी बग्गी चला रहे शख्स पर गोलियां चलाने लगते। बग्गी चला रहा शख्स भी जॉनी के दो साथियों पर गोली चलाकर उन्हें खत्म कर देता है, पर वो अकेला उनसे मुकाबला नहीं कर सकता था। आखिर में जॉनी उस पर गोली चलाकर उसे मार देता है। अब यहाँ जॉनी और उसके साथी बग्गी रोक लेते। उन्होंने बग्गी से एम्ब्रोस, जॉन और मैरी को बाहर निकाल लिया था और वो उनका सामान चेक कर रहे थे। जॉन को यही लग रहा था कि एम्ब्रोस पांचों विला दल के लोगों के लिए गोल्ड कॉइन ले जा रहा होगा, पर उन्हें सामान में कुछ बाइबल की किताबें मिलती है जो जॉन और मैरी की थी। वही उन्हें एम्ब्रोस की बैग में कुछ नोट्स मिलती है जो एम्ब्रोस ने अपने सफर के बारे में लिखी थी क्योंकि वो एक लेखक था। वेल, इतनी मेहनत के बावजूद और अपने दो साथी खोने पर भी जॉनी को सामान से कोई कीमती चीज नहीं मिलती। एम्ब्रोस भी जॉनी से कहता है कि मेरे पास कोई कीमती चीज नहीं है, मैं पांचों विला के क्रांतिकारी दल में शामिल होना चाहता हूँ और इसीलिए इस सफर पर निकला हूँ। अब जॉनी भी पांचों विला के क्रांतिकारी लोगों की रिस्पेक्ट करता था और एम्ब्रोस अच्छे काम के लिए उस दल में शामिल होना चाहता था, तो जॉनी एम्ब्रोस को सॉरी बोलकर अपने साथियों के साथ वहां से चला जाता है। जॉनी ने रिस को भी अपनी गलती के लिए माफ कर दिया था। रास्ते में रिस जॉनी से कहता है कि मैं इतनी पावरफुल होना चाहती हूँ कि जिससे सब लोग मेरे नाम से भी डरने लगे और ऐसे डरे हुए लोगों को मारने में बहुत मजा आता है। वेल, यहाँ जॉनी समझ गया था कि रिस का इरादा ठीक नहीं है, तो जॉनी सबको लेकर सैनिटरी में आता है। जॉनी यहाँ रिस को बांध कर फांसी का फंदा बनाकर उसे लटका देता है क्योंकि रिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता था। सलीना भी जॉनी से कहती है कि तुम रिस को जाने दो, उसे मार देना ठीक नहीं है, पर जॉनी किसी की बात सुनना नहीं चाहता था। वो सब रिस को मरने के लिए छोड़कर वहां से चले जाते। अब वो सब यहाँ से टियरा निगरा जाने वाले थे। वही दूसरी ओर एम्ब्रोस और जॉन देखते हैं कि बग्गी फंस गई थी, तो वो बग्गी लेकर यहाँ से आगे नहीं जा सकते थे। वो तीनों अपना जरूरी सामान लेकर वहां से रेगिस्तान के रास्ते आगे बढ़ रहे थे। अब रात हो चुकी थी। यहाँ जॉन, मैरी और एम्ब्रोस को रेगिस्तान के बीच एक जगह दिखाई देती है। वो तीनों वहां पर आते। यह एक शेल्टर था जहां लोग आराम करने के लिए रुकते थे। शेल्टर का नाम भी ब्लडी शेल्टर था जो कि काफी अजीब नाम था। अब वो तीनों रेगिस्तान के सफर में बहुत थक चुके थे, तो वो तीनों कुछ वक्त के लिए उस शेल्टर में रुकने का डिसीजन लेते। वेल, अगर आपने मूवी का फर्स्ट पार्ट देखा होता तो आप समझ जाएंगे कि यह कौन सी जगह है। फिर वो तीनों शेल्टर में आते। शेल्टर में उनकी मुलाकात मार्कस से होती है जो मूवी के फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट में ब्लडी ट्विस्टर क्लब में दिखाए गए बारटेंडर के ग्रेट ग्रैंडफादर थे। दूसरी ओर सलीना जॉनी से नाराज थी क्योंकि उन्होंने रिस को मार डाला था, पर जॉनी अपनी बातों से सलीना को मना लेता है। अब नेक्स्ट सीन में मॉरिस और उसके साथियों को दिखाया गया है जो जॉनी को ढूंढते हुए उस सेमिटरी तक पहुंच गए थे। उन्हें वहां पर रिस मिलती है जिसे जॉनी ने मरने के लिए छोड़ दिया था, पर लकीली रिस बच गई थी। मॉरिस उसे वहां से छुड़ाता है। वो रिस से कहता है कि अगर तुमने मुझे बता दिया कि जॉनी कहाँ पर है तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। तो रिस मॉरिस से कहते हैं कि वो सब टियरा निगरा की ओर गए हैं। यहाँ मॉरिस को रिस पर भरोसा नहीं था तो वो उसे भी अपने साथ ले जाते। दूसरी ओर उस शेल्टर हाउस में एमिलिया नाम की औरत को दिखाया गया है। उस शेल्टर हाउस की वो मेन ओनर थी। शेल्टर हाउस में वो रेस्ट रूम के अलावा वेश्यालय भी चलाती थी और इसी वजह से यहाँ पर काफी लोग आते थे। जॉन और मैरी को एक कमरे में लेकर आती है और कहते हैं कि सुबह होने तक आप यहाँ पर आराम कर सकते हैं, पर यहाँ से बाहर किसी दूसरे कमरे में भूलकर भी मत जाना। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। वेल, अब दिखाया गया है कि थोड़ी देर बाद उस शेल्टर में ढेर सारे लोग आ जाते क्योंकि यह जगह रेगिस्तान के बीच थी। वही यहाँ लड़कियाँ खाना पीना और ड्रिंक्स भी अवेलेबल थी। एम्ब्रोस भी एक जगह बैठकर विस्की पी रहा था। जॉन भी मैरी को कमरे में छोड़कर बाहर आ गया था, वो भी विस्की पी रहा था। दूसरी
गर्ल जॉनी सलीना को लेकर उस शेल्टर हाउस तक पहुंच गया था। यहां आकर सलीना अजीब महसूस कर रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे कि वो पहले भी यहां पर आ चुकी थी। सलीना जॉनी से कहती है कि शायद यहां रुकना ठीक नहीं होगा, तो बेहतर यही रहेगा कि हम टियरा नेग्रा की ओर रवाना हो जाए। पर जॉनी कहता है कि वो जगह यहां से बहुत दूर है और रात भी हो चुकी है, तो सुबह होने तक हम यही रुकेंगे और दूसरे दिन यहां से टियरा नेग्रा चले जाएंगे। यहाँ अजीब फील कर रही थी और उसे डर भी लग रहा था, पर जॉनी सलीना से कहता है कि डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। आखिर दोनों उस शेल्टर में आते। यह सलीना की मुलाकात एमिलिया से होती है। एमिलिया सलीना की ओर ही देख रही थी। उसकी बातों से भी ऐसा लग रहा था कि जैसे वो सलीना को पहले से जानती थी। एमिलिया सलीना से कहती है कि तुम एक मासूम लड़की हो और तुम्हारे डैड ने तुम्हारे साथ हमेशा खराब बिहेव किया है, पर अब से मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी, आखिर तुम भी मेरी बेटी की तरह हो। इतना कहकर एमिलिया सलीना को अपने साथ ले जाती है। दूसरी ओर जॉनी सलीना को यहाँ छोड़कर जाने वाला था तो अपने घोड़े के पास आता है, पर अस्तबल में वो देखता है कि एक शख्स उसके घोड़े का खून पी रहा था। वही वो शख्स जॉनी को भी देख लेता है। वेल वो एक खतरनाक वैम्पायर था। जॉनी उस वैम्पायर पर गोली चलाता है और वापस शेल्टर में आकर सलीना को ढूंढने में लग जाता है। जॉनी को वहाँ एम्ब्रोस भी मिलता है। एम्ब्रोस जॉनी से कहता है कि सलीना को एक औरत अपने साथ ले गई है। एमिलिया ने सलीना को अपने वश में कर लिया था। आखिर जॉनी सलीना को ढूंढ लेता है, पर सलीना जॉनी से कहती है कि अब मैं यहीं पर रहना चाहती हूँ। वही जॉनी मिरर में देखता है कि यहाँ एमिलिया का रिफ्लेक्शन नहीं दिखाई दे रहा था, यानी कि वो भी एक वैम्पायर थी। यहाँ एमिलिया भी जॉनी को रोकने की कोशिश करती है, पर जॉनी गन से एमिलिया के सिर पर गोली चलाता है और सलीना को अपने साथ ले जाता है। दूसरी ओर शेल्टर में जॉनी के आदमी और जॉन के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है, क्योंकि उन लोगों की वजह से जॉन और मेरी यहाँ पर फंस गए थे। यहाँ उनके बीच जमकर लड़ाई होती है और वो एक दूसरे की जबरदस्त धुलाई कर रहे थे, पर यहाँ एक गड़बड़ हो गई थी। लड़ाई के वक्त टेबल पर उनका खून गिरा हुआ था और उस खून को देखकर शेल्टर में काम कर रही लड़कियां अजीब बिहेव करने लगती है। यहाँ बारटेंडर मार्कस और बाकी लड़कियां वो खून चाट रहे थे। यह देखकर जॉनी मार्कस से कहता है कि इस जगह पर यह सब क्या हो रहा है। जॉनी कहता है कि तुम्हारा गार्ड भी एक पिशाच बनकर मेरे घोड़े का खून पी रहा था। वेल यहाँ उसी गार्ड को दिखाया गया है जिस पर जॉनी ने गोली चलाई थी। वो एक वैम्पायर था और गोली से उसे कुछ नहीं होने वाला था। यह देखकर जॉनी सलीना को लेकर वहां से भागने की कोशिश करता है, पर उसी वक्त शेल्टर में मॉरिस अपने साथियों के साथ आ जाता है। रिस भी उनके साथ थी। वो जॉनी से कहती है कि अब कैसे बच पाओगे। यहाँ जॉनी और मॉरिस के बीच मुकाबला शुरू होता है। दोनों एक दूसरे पर गोलियां चला रहे थे। मॉरिस जॉनी से कहता है कि तुम चुपचाप मेरी बेटी सलीना मुझे लौटा दो, फिर मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा जाने दूंगा। पर जॉनी मॉरिस से कहता है कि मेरा यकीन करो, मैं भी सलीना को बचाना चाहता हूँ, हम सब यहाँ पर बहुत बड़ी मुसीबत में है। वेल उसी वक्त वहाँ पर एमिलिया भी आ जाती है। उसकी आवाज भी बहुत डरावनी थी। वो मॉरिस से कहती है कि काफी वक्त के बाद तुम यहाँ पर वापस आए हो और मैं जानती थी कि तुम यहाँ पर जरूर आओगे। एमिलिया कहती है कि हमारी बेटी सलीना बहुत ही खूबसूरत है। यह सुनकर मॉरिस एमिलिया पर गोलियां चलाने लगता है। वो काफी गुस्से में था। यहाँ बारटेंडर मार्कस भी मॉरिस से कहता है कि इतने वक्त तक तुम कहाँ पर थे, पर कोई बात नहीं, तुम यहाँ पर हमारे डिनर के टाइम पर आए हो। वेल बारटेंडर मार्कस भी अपने वैम्पायर के अवतार में आ गया था। वो भी बहुत भयानक लग रहा था। अब मार्कस के कहने पर वो गार्ड शेल्टर का दरवाजा बंद कर देता है जिससे कोई यहाँ से बाहर ना निकल सके। शुरू होता है खूनी सिलसिला। सभी वैम्पायर क्लब में मौजूद लोगों का शिकार करके उनका मांस खा रहे थे। यह भयानक मंजर था। सब जगह खून खराबा शुरू हो चुका था। सब लोग यहाँ से अपनी जान बचाकर बाहर जाने की कोशिश कर रहे थे, पर वो सब यहाँ बुरी तरह से फंस गए थे। एम्ब्रोस ने काफी शराब पी थी और वो नशे में था, पर उन वैम्पायर को देखकर उसका सारा नशा उतर चुका था। जॉन और मैरी भी शेल्टर के कोने में छिपे हुए थे। वो भी अपने गॉड से प्रे कर रहे थे कि वो सबको इस मुसीबत से बचाए। यहाँ वो गार्ड भी मॉरिस की ओर आगे बढ़ रहा था, पर मॉरिस अपना चाबुक गार्ड के गले पर बांध देता है और उसी चाबुक से गार्ड के सिर के दो टुकड़े कर देता है। वही शेल्टर में काम कर रही सभी वैम्पायर गर्ल भी सब लोगों को अपना शिकार बनाकर उनका खून पी रही थी। चारों ओर दहशत का माहौल था। जॉनी और सलीना भी एक बड़े टेबल के पीछे छिपे हुए थे, पर बारटेंडर मार्कस जॉनी पर हमला करता है। वही दूसरी ओर जॉन और मैरी की ओर वो वैम्पायर्स आगे बढ़ रहे थे, पर जॉन मसाल से उन वैम्पायर को जलाकर खत्म कर देता है।
यहाँ मूवी के पार्ट वन जैसा ही भयानक नजारा था। चारों ओर वैम्पायर्स थे और फर्श पर ढेर सारा खून था। यहाँ जॉन वैम्पायर से मुकाबला कर रहा था, पर दूसरी ओर एक वैम्पायर मैरी के पास आकर उसे अपने वश में कर लेता है और अपने नुकीले दांतों से वो मैरी का खून पीने लगता है। डेट मीन्स मैरी यहाँ पर मर चुकी थी। वही रिस को शेल्टर में एक तहखाना दिखाई देता है, तो वो और शेल्टर में बाकी बचे हुए कुछ लोग उन वैम्पायर से बचते हुए उस तहखाने में आ जाते। तहखाने में भी मॉरिस और जॉनी लड़ने लगते, पर एम्ब्रोस उन्हें कहता है कि अपने आपसी झगड़े यहाँ से बाहर निकलकर निपटाना, अभी यह सोचो कि उन खतरनाक वैम्पायर से मुकाबला कैसे करे। एम्ब्रोस कहता है कि शेल्टर की ओनर एमिलिया भी सलीना को पाना चाहती है। यहाँ सब लोग सच्चाई जानना चाहते थे, पर मॉरिस उन्हें कुछ बता सके उससे पहले वो सभी वैम्पायर तहखाने का दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाते। अब तहखाने से एक रास्ता सीवर से बाहर जाता था, तो सब लोग अपनी जान बचाकर वहां से भागते। वैम्पायर्स भी उनके पीछे थे। थोड़ा आगे जाने पर वो वैम्पायर चमगादड़ बनकर उन लोगों पर हमला करते, पर यहाँ सबके पास मसाले थी तो आग की वजह से वो चमगादड़ उनके करीब नहीं आ सकते थे। वही दूसरी ओर मॉरिस ने एमिलिया पर गोलियां चलाई थी, फिर भी वो जिंदा थी। वो अपने असली वैम्पायर के अवतार में आ चुकी थी और अपने शरीर से सारी बुलेट वो निकाल देती है। एमिलिया बाकी वैम्पायर से कहती है कि हमें सलीना को यहाँ पर लाना होगा, क्योंकि आगे जाकर वही हमारा फ्यूचर तय करेगी। वही सब लोग सीवर से आगे बढ़ते हुए एक जगह पर आ गए थे। यह जॉन आखिर में था। उसे वहां पर अपनी वाइफ मैरी की आवाज सुनाई देती है। वो देखता है कि मैरी उसके पीछे खड़ी थी। वो जॉन से कहती है कि हमने एक साथ रहने की कसम खाई थी और आज तुम मुझे यहाँ उन वैम्पायर के बीच छोड़कर जा रहे हो। एम्ब्रोस जॉन से कहता है कि तुम मैरी की बातों पर यकीन मत करना, अब वो भी एक वैम्पायर बन चुकी है। और यहाँ सच में मैरी एक वैम्पायर बन चुकी थी। वो बहुत ही डरावनी लग रही थी। मैरी के शरीर से सांप जैसे टेंटेकल्स निकलते और वो जॉन को पकड़ लेते। टेंटेकल्स जॉन को मैरी की ओर खींच रहे थे, पर राइट टाइम पर जॉनी ब्लेड से वो टेंटेकल काट देता है। जॉन वो ब्लेड जॉनी से लेकर उसे मैरी की बॉडी में घुसा देता है, जिससे मैरी का पूरा शरीर जलने लगता है। आखिर में मैरी जलकर मारी जाती है। यह देखकर जॉनी सबसे कहता है कि अगर बचे हुए लोगों में किसी को भी वैम्पायर ने काटा है तो अभी बता दो, पर सब लोग कहते हैं कि हमें किसी वैम्पायर ने नहीं काटा। वो सब वहां से आगे बढ़ रहे थे, पर आगे दो रास्ते थे। वो भी नहीं जानते थे कि कौन सा रास्ता बाहर ले जाएगा। तो एम्ब्रोस जॉनी से कहता है कि तुम सलीना को, जॉन को और अपने दोस्त को लेकर जाओ, दूसरे रास्ते से मैं, मॉरिस और रिस जाएंगे। जिसका नसीब अच्छा होगा वो यहाँ से बच पाएगा। आखिर वो सब दो ग्रुप में बट जाते। अब जॉनी अपने ग्रुप के साथ आगे बढ़ रहा था, तभी हमें दिखाया गया है कि उसके दोस्त का चेहरा बदलने लगा था। अब वो अचानक जॉन पर हमला करके उसे काट लेता है। दैट मीन्स वो भी इन्फेक्टेड था, पर उसने किसी को यह बात नहीं बताई थी और उसी वजह से वो एक वैम्पायर बन चुका था। जॉनी मसाल की लकड़ी सीधा उसके दोस्त के दिल में घुसा देता है, जिससे वो भी वहीं पर मारा जाता है। जॉन भी जानता था कि अब वो भी वैम्पायर बन जाएगा और वैम्पायर बनकर वो मासूम लोगों की जान लेना नहीं चाहता था। जॉन जॉनी से कहता है कि तुम मुझे खत्म कर दो। अब जॉनी वो नुकीली लकड़ी जॉन के दिल में घुसा देता है। आखिर जॉन भी मर चुका था। अब सलीना और जॉनी को आगे मॉरिस, रिस और एम्ब्रोस भी मिल जाते। जॉनी उन्हें अपने दोस्त और जॉन के बारे में बताता है। वही यहाँ उन्हें वैम्पायर्स की आवाज सुनाई देती है। वो कह रहे थे कि यह लड़की हमें सौंप दो, वो हमारी प्रिंसेस है। यह सब सुनकर सलीना भी अपने डैड से कहते हैं कि आखिर यह सब मुझे क्यों पाना चाहते। पर मॉरिस सलीना से कहता है कि यहाँ से बाहर निकलने पर मैं तुम्हें सारी सच्चाई बता दूंगा। वेल, वो सब वहां से आगे बढ़ पाए उससे पहले एमिलिया और बाकी वैम्पायर्स उन्हें पकड़ लेते। वैम्पायर्स ने सलीना के अलावा बाकी चारों को उल्टा लटका दिया था। यहाँ मॉरिस जॉनी और एम्ब्रोस से कहता है कि गलती मेरी है कि मैं एमिलिया से प्यार कर बैठा। इस कहता है कि मुझे पता नहीं था कि वो एक वैम्पायर है और एमिलिया को भी एक बच्चा चाहिए था, जिसे उसके बाद आगे उसकी संतान इस जगह को संभाल सके। मॉरिस कहता है कि सलीना के जन्म के बाद मैंने एक दिन एमिलिया को मिरर में देखा तो उसमें एमिलिया का रिफ्लेक्शन नहीं था, जिससे मैं समझ गया कि वो एक वैम्पायर है। तो मैंने चालाकी से सलीना को उठा लिया और उसे अपने साथ रखा। मैंने सलीना से भी यही कहा था कि तुम्हारी मॉम तुम्हें जन्म देने के बाद मर चुकी थी और मैं हमेशा सलीना के साथ सख्ती से पेश आता था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि वो किसी तरह एमिलिया तक पहुंचे। अब यहाँ एमिलिया और सलीना को दिखाया गया है। मार्कस चाकू से सलीना के हाथ पर घाव बना देता है, जिससे वहां से सलीना का खून बहने लगता है। अब एमिलिया अपने नुकीले दांत से सलीना का खून पीने लगती है। अब सलीना भी एक वैम्पायर बन जाएगी।
दूसरी ओर जॉनी भी अपने सूज में लगाए गए चाकू से वो रस्सी काटकर आजाद हो जाता है। वो रिस, एम्ब्रोस और मॉरिस को भी छुड़ा लेता है। यह देखकर एमिलिया सभी वैम्पायर्स को उन्हें खत्म करने के लिए कहती है। अब वो वैम्पायर उन लोगों पर हमला करते हैं। मॉरिस नुकीली लकड़ी से वैम्पायर पर वार करता है। वो वैम्पायर के सिर में वो लकड़ी घुसा देता है। वही एम्ब्रोस भी वैम्पायर के साथ मुकाबला कर रहा था। वो भी नुकीली लकड़ी उनके दिल में घुसा कर उन्हें खत्म कर रहा था। उस दौरान एक वैम्पायर रिस पर हमला करती है और उसे काट लेती है। वही जॉनी भी वैम्पायर से बच रहा था। वो भी नुकीली लकड़ी से वैम्पायर पर हमला करता है और लकड़ी उनके दिल में घुसा कर उन्हें खत्म कर देता है। वेल, यहाँ वो तीनों बहादुरी से सभी वैम्पायर से मुकाबला कर रहे थे, पर अब देर हो चुकी थी क्योंकि सलीना एक वैम्पायर बन चुकी थी। वो मॉरिस से कहते कि पापा यही मेरा घर है। मॉरिस दुखी था क्योंकि उसने हमेशा से सलीना को बचाने की कोशिश की थी। अब सलीना अपने डैड मॉरिस पर हमला करती है और उसका खून पीने लगती है। जॉनी भी यह सब देख रहा था। एम्ब्रोस जॉनी से कहता है कि अब हम कुछ नहीं कर सकते। अब एम्ब्रोस और जॉनी वहां से निकलने वाले थे, तभी सलीना अपने इंसानी अवतार में आकर जॉनी को रोकने की कोशिश करती है, पर जॉनी जानता था कि यह उसे फंसाने की चाल है। वो दोनों वहां से निकलना चाहते थे, पर शेल्टर का दरवाजा बंद था। जॉनी भी सलीना को ना बचा सका तो वो सलीना से कहता है कि मुझे माफ कर दो सलीना। यह सुनकर एमिलिया जॉनी से कहती है कि मेरी बेटी का नाम सलीना नहीं पर सानिया है और अब से वो यहां पर राज करेगी। वही दूसरी ओर मॉरिस इन्फेक्टेड हो चुका था, पर अब भी वो वैम्पायर नहीं बना था, तो वो एम्ब्रोस और जॉनी को बचाने के लिए शेल्टर का दरवाजा खोल देता है। वो दोनों वहां से बाहर आ चुके थे, एमिलिया भी उनके पीछे थी, पर जैसे वो दरवाजे से बाहर आती है तो उसका शरीर जलने लगता है क्योंकि सुबह हो चुकी थी। सनलाइट से वो बुरी तरह जलने लगती है और देखते ही देखते वो जलकर राख में बदल जाती है। वही जॉनी और एम्ब्रोस भी शेल्टर से बाहर आ चुके थे। शेल्टर से सलीना भी जॉनी की ओर देख रही थी। वो जॉनी से कहते है कि मुझे यहाँ छोड़कर मत जाओ। आखिर शेल्टर का दरवाजा बंद हो जाता है। जॉनी भी दुखी था क्योंकि वो भी सलीना को चाहने लगा था, पर ना चाहते हुए भी उसे सलीना को इसी हाल में छोड़कर जाना पड़ेगा। वेल, अगर आपने मूवी के फर्स्ट पार्ट की वीडियो देखी होगी तो आप समझ जाएगी कि उसमें जो सानिया दिखाई गई है वो यही सलीना थी और उसे वहीं श्राप से छुटकारा मिला था जब सैम नाम के बंदे ने उसे मार दिया था। अब यहाँ जॉनी के पास भी कोई मकसद नहीं था, वही उसके सभी साथी भी मर चुके थे, तो वो भी एम्ब्रोस के साथ चला जाता है। वो दोनों अब एक साथ पांचों इलाके दल में शामिल होना चाहते थे और दोनों उसी रास्ते आगे बढ़ रहे थे। और बस यही पर फ्रॉम डस्क टिल डॉन मूवी का पार्ट 3 खत्म हो जाता है। ईयर 1999 में रिलीज हुई फ्रॉम डस्क टिल डॉन मूवी के पार्ट 3 को IMDB पर 4.8 आउट ऑफ 10 स्कोर मिला है। वही रोटन टोमेटो पर इसे 22% एंड ऑडियंस स्कोर 23% मिला है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, और मेरे लिए कोई भी सजेशन है तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके बताइए। तो मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।